महाराष्ट्र का बीड जिला सूखाग्रस्त होने की वजह से मशहूर है, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि अभी सूखे जिले के किसान नए प्रयोग कर आधुनिक खेती करने लगे हैं, जिसमें किसानों को सफलता भी मिल रही है। ऐसी एक किसान है विजया गंगाधर, वो मिश्रित खेती कर लखपति बन गई। वो खजूर, ड्रैगन फ्रूट और सेब जैसे फलों की खेती कर मिसाल पेश कर रही है। प्रगतिशील महिला किसान ने सूखे की स्थिति से उबरते हुए तीन फलों की मिश्रित खेती कर अनूठा प्रयोग किया। उनके पास 3 एकड़ जमीन है और उन्हें इन फलों की खेती से अच्छी खासी आमदनी होने लगी है। साल 2016 में उन्होंने सबसे पहले आधे एकड़ जमीन पर ड्रैगन फ्रूट लगाया और बाद में जमीन की कमी के कारण उन्होंने उसी क्षेत्र में खजूर और सेब को मिश्रित तरीके से लगाया। 200 रुपये किलो ने अपने ड्रैगन फ्रूट 150 200 100 120 80 च्या पुढे आपण ड्रॅगन फ्रूट विकतो। जळगाव आणि जळगावला विकतो, नगरला विकतो, पुन्हा मालेगाव, इंदापूर, काही लोकलला देतो, जसं जसं व्यापारी भेटते तसं तसं। विजया गंगाधर ने शुरुआत में ही ड्रैगन फ्रूट से लाखों रुपए का उत्पादन हासिल किया और इतने ही क्षेत्र में 80 खजूर और 240 सेब के पेड़ लगाए हैं। फिलहाल खजूर का उत्पादन शुरू हो गया है और पहले साल एक पेड़ पर 70 से 120 किलो तक फल आए हैं। इसे बाजार में 70 से 100 रुपए के भाव से बेचा गया है। खजूर 160 से 200 रुपए तक बिका। 80 खजूर के पेड़ों से पहले साल 2,50,000 से 3,00,000 रुपए की कमाई हुई और अगले साल एक पेड़ पर 150 से 200 किलो खजूर आने की उम्मीद है। महिला किसान विजया ने उम्मीद जताई कि एक एकड़ में ड्रैगन फ्रूट, सेब और खजूर की खेती से कम 10,00,000 रुपए की कमाई होगी। बता दें कि पारंपरिक खेती करने के बजाय नए प्रयोग करके ज्यादा उपज के लिए खजूर या ड्रैगन फ्रूट जैसी फसलों का चयन करना जरूरी है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। विजय ने कहा कि ये ऐसी खेती है जिसमें बहुत कम मेहनत में किसी भी रसायन का छिड़काव नहीं करना पड़ता। आपको ये भी बता दें कि इस काम के लिए उन्हें जीजा माता कृषि भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस वीडियो में इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।